कमलेश तिवारी हत्याकांड से व्यथित मुरादाबाद के हिंदूवादी नेता प्रांशु जोशी का एक विवादित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकार और प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी नहीं दी गई तो मैं गारंटी लेता हूं कि उनकी गर्दन मैं काटूंगा और अपने हाथों से काटूंगा। इससे पहले एक मशाल जुलूस भी निकाला गया। आप भी देखिए हिंदूवादी नेता का वो वायरल बयान जिसमें उन्होंने आरोपियों की गर्दन काटने की चेतावनी दी है। कातिल अब भी जिंदा घूम रहे हैं। मैं खुली मंच से चेतावनी देता हूं, अगर उनको फांसी नहीं हुई तो प्रांशु जोशी उसको मारेगा। अगर नहीं बने उनको फांसी नहीं हुई तो 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं आत्मदाह करूंगा, विधानसभा के सामने करूंगा। खुले मन से चेतावनी देता हूं, अगर एक प्रांशु जोशी मरेगा तो मुरादाबाद में 1 लाख प्रांशु जोशी पैदा होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी भाइयों को धन्यवाद, किसी चीज का नहीं है हमारा, क्योंकि आज हम इस मोड़ पे खोए हुए हैं कि जिस मोड़ पे हमें अपनी ताकत अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत है, हिंदुत्व की ताकत दिखाने की जरूरत है। हिंदू भाइयों सोना मत, रात भर चिंतन ये करना कि अगर आप एक हो तो कम से कम 1000 हिंदुओं को इकट्ठा करके कल टिका देनी है ताकत। जब मस्जिदों से निकलते हैं तो टोपी टोपी दिखती है, कल राम जी के दर्शन करके माथे पे तलाक लगा के टिका देना, तब पता चलेगा कि हिंदू जिंदा है। और जो नहीं आएगा अकेला प्रांशु जोशी कार्य करेगा। कल देखूंगा हिंदुओं की ताकत कितनी है। दिखा दो मुरादाबाद की जनता पे, जिस जनता के लिए दुर्गा पूजा रोकी गई थी उस पूजा में कमलेश तिवारी जी ने आके दुर्गा पूजा चालू करवाई थी, उसके प्राणों की आहुति बलिदान हम बेखब में नहीं खोने देंगे उनको। वो आज भी हमारी आत्मा में जिंदा है, हमारी आंखों में जिंदा है। अगर थोड़ी भी शर्म हो हिंदुत्व की तो कल दिखा दो ताकत। अगर ताकत दिखाना चाहते हो तो एक बार मेरे साथ जोर से जय श्री राम बोल लो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद। 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 हिंदू एकता जिंदाबाद। 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 हिंदू संगठन जिंदाबाद। 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 जैसा कि आपने सुना कि हिंदू नेता किस तरह से गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, इसके बाद मीडिया को जानकारी देते हुए प्रांशु जोशी ने कमलेश तिवारी की हिंदुत्व का बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और जिस तरह से इस हत्या के साथ पाकिस्तान और दुबई के लिंक निकल रहे हैं कि एक हिंदूवादी शेर की हत्या कर दी गई, ये पूरे भारत के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हमने एक अनमोल रत्न को खोया है। इस दौरान उसने कहा कि कमलेश तिवारी की हत्या साजिश के तहत की गई है, जिसका अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो आत्मदाह करूंगा। जोशी जी, आज कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये सभी को मालूम है कि कमलेश तिवारी जी हिंदुत्व का बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे और जिस तरीके से दुबई और पाकिस्तान के लिंक निकल रहे हैं, एक हिंदूवादी शेर को ख़त्म कर दिया गया और उसकी निर्मोही हत्या कर दी गई, ये पूरे भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वाकई में हमने एक अनमोल रत्न खोया है। अच्छा, हत्या के बाद आप वहीं थे कि सब क्या लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ी एक साजिश है, जिस साजिश का कोई क्लू मिल नहीं रहा है अभी, लेकिन ये बनी बनाई एक साजिश रणनीति बनाई गई है, क्योंकि हिंदूवादी शेर को मारने के लिए मैं कहता हूँ अगर कातिल थे तो भगवा पहन के क्यों आए, वो अपना नाम बता के आते। लेकिन ये तो एक तरीके से पीठ पे छुरी मारने वाला काम हुआ है जिसको हिंदू समाज पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो हत्या हुई है इसको लेकर आपका एक सोशल मीडिया पर बयान है, वो क्या है? क्या आपका एक बयान अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें बयान में आपने कहा है फांसी देने को अगर सरकार नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? मैं 1.5 महीने के बाद आत्मदाह करूंगा, ये मेरा वादा है। फांसी देने के लिए अगर सरकार नहीं देगी तो आपने भी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आप देंगे फांसी लोगों को? मैंने फांसी को नहीं कहा, जब उन्होंने हत्या करके वो खुलेआम घूम रहे तो मैं मारूंगा उन्हें।
बदला लेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है इसके लिए, क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, प्रदेश सरकार योगी जी ने पूरी बात आज सुनी और हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी मांगे मानी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कहता हूँ। सरकार अपना काम किस तरीके से कर रही है? देखिए, माननीय योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं, जिन हाथ बंधे होने की वजह से इतना बड़ा कांड भारत में हो गया है। अब आप बताइए इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हिंदू जागा नहीं, अब नहीं जागा तो कब जागेगा? इस तरीके से अगर निर्मोही हत्या होगी तो आज कमलेश तिवारी है, कल हमारी बारी है, परसों किसी की। मेरे को सोशल मीडिया पे इतनी धमकियां आ रही हैं मारने की, उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे साथ होना था वो हो गया। अब मेरी भी अगर मौत हो जाएगी तो मुझे परवाह नहीं। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।